ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और ऊपर एक घट लगा रहेगा दिन भर, उसमें से पानी टप 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 टपकता रहता है। तो परमात्मा कहते केवल एक बार आश्रम पे आने से आपका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि शांति हमें सारा दिन चाहिए। तो सारा दिन ये स्मृति में रहे कि मैं शांति के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ, क्योंकि मन बिना सोचे तो रह नहीं सकता है। तो उसको हर समय हमें हर गुण को याद करना है। शांति के सागर, सुख के सागर, प्यार के सागर, करुणा के सागर, पिता का बच्चा हूँ, तो हमारे मन की अशांति, हमारे मन का दुख खत्म हो जाएगा। क्योंकि सुख शांति का स्रोत केवल केवल एक परमात्मा पिता ही है। किसी भी दुकान में आप जाएंगे, किसी भी बिग मॉल में जाएं, आपको भैया एक किलो शांति दे दो, कहीं शांति नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा सुख दे दो, कहीं सुख भी नहीं है। क्योंकि सुख शांति का स्रोत वही है। जब मन अशांत होता है तो हम सबकी नज़र कहाँ जाती है? ऊपर ही जाती है। तो हमारा पिता है, जब तक हम उनसे बुद्धि का रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। तो ये यादगार है उस परमात्मा पिता से रिश्ता जोड़ने की, लेकिन हमने स्थूल रूप सब ले लिया।